नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सोनी यूट्यूब के हिंदी की दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूं, उसमें आप ये जान पाएंगे कि अपना सीएससी ग्राहक सेवा केंद्र ने आज ही से पासपोर्ट का ऑनलाइन का आवेदन शुरू कर दिया है। इसमें आप कैसे पासपोर्ट का आवेदन कर पाएंगे किसी भी कस्टमर का, इसके बारे में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, पासपोर्ट सेवा के बारे में बताने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। आपको जो वीडियो देखते हैं उसमें नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, वहां पे आप इसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपको ये फ़ायदा होगा कि ये हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसे आप आसानी से देख पाएंगे। और जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना सीएससी ग्राहक सेवा केंद्र का पोर्टल लॉगिन कर लेना है। उसके नीचे आप आइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दोस्तों दिखेगा पासपोर्ट सर्विस, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आरपीओ सेलेक्ट करना है। आरपीओ क्या होता है दोस्तों, कि आप किस जगह से आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उसका आपको किसी एक को चुन लेना है। उसी जगह से आपको पासपोर्ट का ऑनलाइन होगा और वहीं पे उनको अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं और यहाँ पे इसके बाद हम गो पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सबसे ऊपर में है फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट, उसके नीचे है पीसीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ये क्या है इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके नीचे है दोस्तों अप्लाई डोमिसाइल ऑफिशियल पासपोर्ट, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और व्यू और सबमिट एप्लीकेशन, इसमें आपको देखने के लिए है कि आप किन किन कस्टमर का पहले से पासपोर्ट बनाए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं दोस्तों नया पासपोर्ट बनाने के लिए फ्रेश पर क्लिक करता हूँ। फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट, यदि आप पहले से पासपोर्ट बनवा चुके हैं, आपका एक्सपायर हो गया पासपोर्ट या पासपोर्ट खो गया है तो उसके लिए ये आता है। और दूसरा है दोस्तों फ्रेश पासपोर्ट, तो चलिए हम फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों नॉर्मल और तत्काल। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल का है एक तत्काल का है। तत्काल पासपोर्ट दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो जनरली लोग नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हैं, वैसे तत्काल पासपोर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको ए ग्रेड मजिस्ट्रेट के लेटर पैड पर आपको साइन वगैरह कराना पड़ता है, उनसे वेरीफाई कराना पड़ता है। इस वजह से लोग ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही पासपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे 36 पेज का पासपोर्ट बनता है दोस्तों बुकलेट, और एक 60 पेज का बुकलेट बनता है। तो आप 36 पेज का ही बुकलेट बना सकते हैं, 60 पेज का बुकलेट बना सकते हैं। तो चलिए मैं दोस्तों मैं 36 पेज का बुकलेट पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको एप्लीकेंट डिटेल का पेज खुल गया। यहाँ पे दोस्तों पहले आप अपना गिव नेम डालिए, उसके बाद सरनेम डालिए। सबसे पहले मैंने, क्योंकि आपको हिंदी में नहीं चाहिए पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट जो छपा हुआ हो इंग्लिश में ही मिले, इसलिए इसे आप नो कर दीजिए। यहाँ पे जेंडर चुन लीजिए, उसके बाद आप अगर कोई और नाम है तो वो पूछ रहा है उसके लिए वो डाल दीजिए। यहाँ पे अपना आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पे बर्थ सिटी दोस्तों, जो आपका बर्थ स्थान है, मतलब जहाँ आप जन्म लिए हैं उस जगह का नाम डालिए। चलिए मैं डालता हूँ। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
उसके बाद आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं वो डालिए। उसके बाद यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डालिए, आधार कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है तो वोटर आई डी कार्ड का नंबर डालिए। यदि उसके बाद एम्प्लाई डिटेल है, यदि आप कोई सर्विस करते हैं, स्टूडेंट हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं मतलब होम मेकर हैं, या नो एम्प्लाई हैं, जो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से जो भी आप हैं उस पर क्लिक कर दें। यदि आप माइनर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां पर क्लिक करें, क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करें, जहां जो आपका क्वालिफिकेशन है, अपना पहचान चिन्ह डालिए, अपना आधार कार्ड है तो वो डालिए, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। सेकंड पेज में आपको फैमिली डिटेल का ऑप्शन आएगा दोस्तों, उसमें आप अपने पिता का नाम डाल दें, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, उसके नीचे माता का नाम, यदि कोई गार्जियन है तो गार्जियन का नाम, अगर पहले से फादर का पासपोर्ट बना हुआ है तो वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालें, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कब से आप रह रहे हैं, तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो डाल दें, अपना घर का पूरा पता डालिए दोस्तों इसमें, कुछ भी मैं डाल देता हूँ। इसके बाद आप अपना स्टेट चुनिए, डिस्ट्रिक्ट चुनिए, पुलिस स्टेशन चुनिए, पिन कोड डालिए जो आपका पिन कोड है, मोबाइल नंबर जो आपका है, ईमेल आईडी, और यदि परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस दोनों एड्रेस सेम है तो उस पर यस कर दें और नेक्स्ट करें। यहाँ पे दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, आप अपने कोई ऐसे व्यक्ति का नाम दें जो यदि आप बाहर कहीं हैं तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, जैसे कि मान लीजिए कि आप बाहर हैं, कहीं कुछ आपको के साथ कुछ घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसे आपको फोन किया जाए, उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे डालें, तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। ईमेल आईडी जो भी उनका है, नहीं है तो छोड़ दें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे दोस्त दो रेफरेंस मांगता है जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के समय उन्हें वहां पे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम डालिए जिसे आप जानते पहचानते हो और वो आपके रिश्तेदार नहीं, तो मैं डाल देता हूँ दो पर्सन का नाम। नेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ रिमूव कर दें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, अदर डिटेल को पढ़ लें दोस्तों, इस पूरे डिटेल को पढ़ दें और पढ़ लें, मेरे समझ से सब पर नो होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आप इसके लिए सही हैं तो यस कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपका फाइनल रिव्यू आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना अच्छी तरह से नाम वगैरह मिला लें, डेट ऑफ बर्थ मिला लें, पिता का नाम मिला लें, माता का नाम मिला लें, और उसके बाद सही है तो नेक्स्ट करें, नहीं तो पीछे जा करके आप उसे सुधार सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस डाल दें दोस्तों और डेट डाल दें, एग्री करें और रिव्यू करें और उसके बाद सबमिट कर दें दोस्तों।
तो जब आप सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से जब व्यू में आएंगे, फिर से आप पूरा एप्लीकेशन होम में, तो और उसके बाद व्यू योर सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पे आपका शो करेगा। उसके बाद इसे सेलेक्ट करें और इसके बाद आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपको 1500 रुपये पे करने पड़ते हैं पासपोर्ट के लिए, जिसे आप अपने डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और जब आप पे करेंगे तो उसी समय आपको एक तिथि दिया जाएगा, मतलब कहा जाए कि आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट कब आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। और उसके बाद आप जब वहां जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस, तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर आपके मोबाइल पे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पे एक कॉल आएगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपके नज़दीकी जो आपके थाना है वहां से आपको कॉल किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया है, आपके जो गारंटर दो बने हैं उन्हें आप लेकर के हमारे पास आइए दोस्तों। आप उसके बाद पुलिस स्टेशन जाइएगा, वहाँ अपना एक डॉक्यूमेंट, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ और आपके जो गारंटर है उनका एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लेकर के वहाँ पे सब जमा कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका वो पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर करके वो पुनः पासपोर्ट ऑफिस में भेज देंगे और उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट प्रिंट हो करके आपके घर पे जो आपका परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है उस पे छप कर आ जाएगा। और इसके लिए आपको जो वहाँ फाइल नंबर, पासपोर्ट ऑफिस में फाइल नंबर एक मिलेगा दोस्तों, उससे आप बराबर अपने वेबसाइट पे, पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जा कर के और देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन में जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे आप को यहाँ पे आपको आना होगा और पासपोर्ट पीसीसी पर जाकर के जो आपको पासपोर्ट ऑफिस से फाइल नंबर मिला है उसे यहाँ पे डालना है और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद ट्रैक स्टेटस पर जब आप क्लिक करेगा तो आपको ये बताया जाएगा कि आपका पासपोर्ट छपा कि नहीं छपा, अभी पासपोर्ट आपका कहाँ है, कितना समय लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका पासपोर्ट आपके घर तक आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, शायद हमारे बोलने में थोड़ा बहुत इधर से उधर हो गया हो, उसके लिए सॉरी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए।